और देखिए एक बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां मैच का टिकट खरीदने के लिए मारामारी हुई। भीड़ की वजह से जिमखाना ग्राउंड में भगदड़ मच गई। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, चार लोग जख्मी हो गए। तो जिमखाना ग्राउंड की तस्वीरें हैं हैदराबाद से, जहां पर एक मैच का टिकट पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। वहां थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हुआ, जिसके बाद पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। और देखिए कैसे पुलिस को काबू में करने के लिए पुलिस ने वहां लोगों को लाठियां लोगों पर बरसाई। चार लोग जख्मी हुए हैं इस लाठीचार्ज में, ऐसी जानकारी आ रही है। भगदड़ मच गई वहां पर, जिससे पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा लोगों को काबू करने के लिए। ये हैदराबाद के जिमखाना की तस्वीरें, जहां एक मैच की टिकट पाने के लिए ये भारी भीड़ वहां जमा हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में एक मैच का टिकट पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। मारामारी शुरू हो गई वहां पर टिकट पाने के लिए, भगदड़ बनने होने लग गई वहां पर, जिसके बाद स्थिति थोड़ी सी वहां पर काबू से बाहर होती दिखाई दी। पुलिस ने स्थिति काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता नूर मोहम्मद के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नूर, ये क्या मामला है, किस मैच के लिए इतनी भीड़ वहां पर जमा हो गई और अभी क्या स्थिति है? सर देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने वाला था, उसके टिकटें जो बेचने वाली बात जो ऑनलाइन में रखी गई थी, आज सुबह से रखी गई थी। हैदराबाद के सिकंदराबाद वाले जिमखाना ग्राउंड के अंदर टिकटें बेची जा रही थी। देखिए लगातार जिस तरह से टिकटें को लेकर जो हंगामा चल रहा था हैदराबाद के अंदर, तमाम जितने भी क्रिकेट जो फैंस थे, उन्होंने बार बार जहाँ पे ऑनलाइन टिकटें जहाँ बेची जा रही थी, वहाँ पे रात से ही सितारे लगा दी गई थी। सुबह में बहुत बड़े पैमाने पर अचानक क्रिकेट के फैन आ गए थे, जिनको कंट्रोल करना हैदराबाद की पुलिस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। एक दूसरे पर कूद पड़ रहे थे कि टिकट जैसा ही काउंटर खुला था टिकट लेने के लिए। देखिए पुलिस बहुत सारा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, कंट्रोल नहीं हो पाया। उसके बाद पुलिस का हल्का सा लाठीचार्ज करने लगी। उसके बाद जिस तरह से जो भागदौड़ मचाए, उनमें से अभी तक चार इंजर्ड है पुलिस ऑफिशियल बता रही है। मगर जिस तरह से भागदौड़ का मामला, जिस तरह से वहां पे लाठीचार्ज हुआ था, उससे लगता है कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। कई लोग यहाँ से स्पॉट से भागते गिरते जुटे आसपास वाले दवाखाने में उनका एडमिट हुआ है। देखिए जिस तरह से राज्य सरकार कल से इस पर नजर बनाई थी, क्रिकेट के जो हैदराबाद की जो क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अजहरुद्दीन, उन्होंने भी कल ही स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से उनकी बात हुई थी। उन्होंने भी टिकटें किस तरह बेचे, इस तरह का पूरी जानकारी इस तरह राज्य सरकार ने ली थी। मगर कहीं ना कहीं टिकट बेचने के जो ऑर्गेनाइजर थे, उनकी लापरवाही हुई। अनुराग का जानकारियों के लिए, तो देखिए क्रिकेट मैच के लिए वहां पर भीड़ जमा हो गई टिकट पाने के लिए, और फिर हालात काबू से बाहर जाते दिखे, तो पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ लोग घायल भी हुए हैं इस लाठीचार्ज के बाद। अच्छा, एक बड़ी खबर है, एक महिला की मौत हो गई है इसी भगदड़ में। एक महिला की मौत की खबर आ रही है इसी भगदड़ में। तो हैदराबाद में जो भगदड़ मची, उसमें एक महिला की मौत हो गई। देखिए ये यहां पर दीवानगी मैच की, कि मैच का टिकट पाने के लिए इतनी भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई कि वहां भगदड़ मच गई। पुलिस को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठियों से बचने के लिए लोग भागने लग गए। भगदड़ मची जिसमें एक महिला की मौत की खबर है और कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं। 25 सितंबर को वहां भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है। उस मैच की टिकटें जिमखाना में मिल रही थी, वहां पर टिकट पाने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया भीड़ को काबू करने के लिए, और उसके बाद जो भगदड़ मची, उसमें एक महिला की मौत की जानकारी सामने आ रही है।